कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय नववर्ष पर हर बार पूरे राजस्थान में और देश के अनेक हिस्सों में नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, उसकी बाकायदा परमिशन होती है। लेकिन ये जो करौली की घटनाएं हुई है, ऐसा लगता है पूरी सुनियोजित घटना थी। इससे पहले की पृष्ठभूमि में इस जुलूस को लेकर बीकानेर में, कोटा के अंदर 144 लगी, भीलवाड़ा में लगी, और कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इन्हीं बातों को लेकर 144 वहां इम्पोज की। ये जो घटना थी, इस घटना में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था, आधे रास्ते के बाद पत्थर बरसाए गए। और अब पीएफआई की जो चिट्ठी उजागर हुई है, इसका मतलब या तो सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर थी या सरकार के संज्ञान में था और सरकार चाह रही थी कि इस तरह की घटनाएं हों, लोगों में भय पैदा हो। और जो अपीजमेंट की नीति अशोक गहलोत अपनाते हैं, उसमें उनको जो लोग हैं उनको अपने वोट बैंक की फिक्र है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की सुरक्षा की कतई फिक्र नहीं है। और पीएफआई की चिट्ठी के बाद ये उजागर होता है कि सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा खराब थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।